शराब की दुकानों पर आबकारी विभाग की ओर से की जा रही सख्ती और अवैध शराब को रोकने सहित अन्य मांगों को लेकर शराब ठेकेदारों ने आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की बात कही। अगर ठेकेदारों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो शराब की दुकानों को बंद रखने का अल्टीमेटम दिया गया। ठेकेदारों का आरोप है कि आबकारी विभाग के अधिकारी बिना कारण ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, इससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गोवा वाइन्स के संचालक जितेंद्र ने बताया कि अंग्रेजी शराब और बियर की MRP दरें राउंड ऑफ नहीं होने से ग्राहकों से अनावश्यक जूझना पड़ता है। सरकारी लाइसेंस फीस की शर्तों में इंद्राज आज की रिटेल लाइसेंसी को 18 से 20 का मार्जिन दिया जाएगा। इसी अनुरूप माननीय वित्त सचिव राजस्व द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला गया। आज अजमेर जिला के सारे मदीय संघ के सभी ठेकेदारों ने मिलकर शांतिपुर ज्ञापन दे रहे हैं DO साहब को कि जिस टाइम पॉलिसी बनी थी उस टाइम हमें ज्ञात किया गया था कि इसमें 22% का मार्जिन है, जो अब हमें मार्जिन 10 से 11% का मार्जिन मिल रहा है और सरकार अपनी रेटें बढ़ाती जा रही है। न हमारे मार्जिन का ख्याल है, न किसी चीज़ का ख्याल है। आए दिन पुलिस प्रशासन हमें परेशान करता है ग्राहकों को पकड़ने का। 185 मुकदमे का 1 तारीख को 4,000 रुपये का जुर्माना हो रहा है, जिससे पहले ही हमारी बिक्री पे बहुत फ़र्क पड़ा हुआ है। और रेट राउंड ऑफ करने के लिए हमने इसमें एक और चीज़ लिखी है, रेट राउंड ऑफ करने के लिए, क्योंकि इनकी रेटें रोज़ आए दिन ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन उस पर ज्ञात नहीं लिखा नहीं जाता है, और जिससे हमें रोज़ ग्राहकों से सेल्समैन की अनबन होती रहती है। और इस 5 महीने में 3 बार रेटें बढ़ी हुई हैं। अब रेटें बढ़ती है या तो उसको आप उसको प्रिंट आउट करो, या हमारे ओवर रेटों की और इन चीज़ों की तो आप खबरें दे देते हो, उन चीज़ों पे हमारे खिलाफत कर देते हो, इन चीज़ों पे कौन ध्यान देगा। और जब 22% मार्जिन लिया, आज 25 लाख रुपए दुकान की फीस है, हमने तो 22% देख के ही दुकान ली है उस हिसाब से, नहीं तो अभी सब दुकानें जितनी भी दुकानें हैं ऑल ओवर राजस्थान की वो नुकसान में घाटे में चल रही हैं। आज दुकानें जोधपुर में बंद हैं, कल हमारी भी दुकानें बंद हैं। अगर हमारी इन चीज़ों पे गौर नहीं किया गया तो हमारी भी दुकानें कल से बंद हैं। सब चाबियां ला के हम यहाँ दे देंगे, भाई आप ही दुकान चला लो। विभाग कैसे चलाता है, दुकानों का किराया देखो, मकान मालिक दुकान का किराया बढ़ाता जा रहा है, हर चीज़ बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। चलो महंगाई का मुद्दा ले लो, महंगाई बढ़ती जा रही है तो हमारी मार्जिन भी तो बढ़ाओ। मार्जिन बढ़ा नहीं रहे, मार्जिन हमारी वही आज जो 4 साल पहले 5 साल पहले मार्जिन थी वही मार्जिन चल रही है, 11% मार्जिन चल रही है। जबकि अब के पॉलिसी में बिल्कुल दर्शित किया गया है, 62 नंबर पॉइंट है जो उस पर दर्शित किया गया है कि 22% मार्जिन दिया जाएगा आपको, तो उस मार्जिन का कोई अता पता ही नहीं, वही 12% मार्जिन चल रहा है। वो हमारे ऊपर नाजायज हर साल 10% की लिफ्टिंगों पे इंक्रीजिंग करते हैं। SVF के नाम पे SVF जो है हमारे पैसे को SVF में बना के और SVF जो है 6 महीने में ख़त्म करके हमारे से अननेसेसरी SVF के नाम पे पैसा लेते हैं। प्लस अन्य किसी हर तरह के कभी किस प्रकार का टैक्स, कभी किस प्रकार का टैक्स, अलग अलग टैक्स लगा के और नाजायज हमारे से पैसा वसूल किया जाता है। और चालू शस्त्र में जो है बिगर किसी परमिशन के बीच के अंदर जो नियमों में नहीं है, जब मर्जी आती है तो पैसे बढ़ा देते हैं अपना हिसाब। 20 से 30% रेटें इंक्रीज कर दी 5 महीने के अंदर और ठेकेदारों को कुछ नहीं मिला। 22% मार्जिन बता के 10 से 12% मार्जिन दिया जा रहा है और नाजायज परेशान किया जा रहा है कि आपको माल की लिफ्टिंग। अब रेटें गवर्नमेंट इतनी बढ़ा रही है, मार्केट में सेलिंग जो है, जब जो चीज़ 100 रुपये की है अगर वो चीज़ 130-135 की कर देंगे तो मार्केट में सेल कम होगी। 10% का टारगेट इंक्रीजिंग करके आपको माल एक्स्ट्रा उठाना नहीं उठाओगे तो उस पर पेनल्टियाँ जमा कराओ। मतलब हर तरीके से ठेकेदारों को परेशान किया जा रहा है। अनुज्ञाधारियों द्वारा अपने कुछ मांगों के लिए ज्ञापन दिया गया है, यहाँ पर अजमेर के अनुज्ञाधारी आए हैं और उन्होंने कुछ अपने मार्जिन को लेकर के जो उनको ट्रेड में मार्जिन मिलता है और उसके अलावा कुछ जो ऐसे नीतिगत प्रश्न है उनको लेकर के भेजा है ज्ञापन, वो हम सक्षम अधिकारियों तक उच्चाधिकारियों तक प्रेषित करते हैं। ठीक है सर, इन्होंने चेतावनी दी है अगर मांगे पूरी नहीं मानी जाती तो दुकानें बंद हो सकती है, ऐसी कोई चेतावनी इन्होंने मुझे तो नहीं दी है या विभाग को नहीं दी है, लेकिन यदि ये स्वेच्छा से ऐसा कुछ करते हैं तो वो उनका विवेकाधिकार है। सरकार की जो नीति है उसके अनुसार दुकानें चलाना ये लाइसेंस कंडीशन से बने नहीं करेंगे तो आप परेशान होकर करेंगे। 20 से 22% मार्जिन तो सही है, सरकार की जो घोषित नीति है उसके अनुसार अनुज्ञाधारी को दुकानें संचालित करनी है।
ये बता रहे कि आप जिला प्रशासन लेंगे क्या कह रहे हैं पुलिस भी सरकार की ही एक प्रशासन का ही प्रमुख अंग है। यदि इनके द्वारा कोई ऐसा वायलेशन किया जाता है जिसपे कि पुलिस को अधिकार है तो वो पुलिस भी स्वतंत्र है कार्यवाही करने के लिए। शराब ठेकेदारों ने अपनी मांगों को लेकर रविवार को बैठक आयोजित कर सोमवार और मंगलवार को शराब की दुकानें बंद रखने का अल्टीमेटम जिला आबकारी अधिकारी को दिया है। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।